देखो जी, फाइनल अकाउंट, फाइनल का मतलब होता है लास्ट, ठीक है ना। फाइनल स्टेज पर देखो, हर अकाउंटिंग पीरियड का एक एंड होता है, जो कि हमारे देश में चलता है 31 मार्च। आपने पूरे साल में जितना भी काम किया उसका एक रिजल्ट क्रिएट करना होता है, नेट रिजल्ट निकालना होता है, वो निकलता है फाइनल अकाउंट्स के थ्रू, ठीक है। फाइनल का मतलब होता है फाइनल, जो सबसे लास्ट में अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बेसिकली जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा यहीं से पता लगेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। आराम से देखना, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हर जगह आपको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। हर फर्म ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और वो जरूर ना, सबसे पहले जब साल की शुरुआत होती है, साल की शुरुआत कब होती है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आप शटर खोलोगे, आपके पास बहुत सारा सामान पड़ा होगा, उसे बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। उसे क्या बोला जाता है, ओपनिंग स्टॉक। वो हमारी एसेट है, देखो कहां पे आया, डेबिट में आया। देखा है तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो भी वो रिसीव करता है डेबिट है, जो भी आपको देगा वो क्रेडिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद परचेजेस, आपने पूरे साल में कितनी परचेजेस करी, उसमें से रिटर्न को क्या कर देते हैं, माइनस, लेस रिटर्न ऑब्लिग, इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्या, ठीक है ना। अगर सीधा दे रखा हो तो वेल एंड गुड, कहीं वो रिटर्न आउटवर्ड बोल देते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है, हम जो सामान है बाहर के लोगों से खरीदते हैं, जब सामान वापस करेंगे तो बाहर ही जाएगा, दैट्स वाई दे राइट रिटर्न आउटवर्ड। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जिसको पर यूनिट कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। भी हमने इतने यूनिट्स बनाए तो हमारा इतना खर्चा पड़ता है, और सीधी सी बात है जब तक प्रोडक्ट फाइनल शेप में नहीं आ जाता है, वहां तक आप जितने भी खर्चे करोगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं, आपने कहीं से सामान मंगाया, ठीक है, मान लो आपने सामान मंगाया फॉरेन कंट्री से, ठीक है, सबसे पहले आपने उसको शिप के थ्रू आया, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज लिखा होता है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज, कस्टम ड्यूटी दी वहां पर, क्या दी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राई। अब माल बॉम्बे से आ रहा है, दिल्ली की टेरिटरी में एंटर कर रहा था तो दिल्ली की गवर्नमेंट टैक्स लेती, चुंगी कर बोलते हैं जिसे हिंदी में, ऑक्ट्राई बोलते हैं, ठीक है ना। फैक्ट्री पहुंचा, फैक्ट्री में आपने अपने लेबर को वेजेस दिए, जिसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, और वर्ड वेजेस भी लिखा होता है, ठीक है, और वर्ड वेजेस भी लिखा होता है। आपने सामान पैक करना है तो उसमें बॉक्सेस एंड लेबल्स भी लगेंगे, नॉर्मली आपको वेजेस ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, बॉक्सेस एंड लेबल्स, फैक्ट्री लैंड, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। तो ये छूटे से नहीं, ठीक है। फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल भी यूज होता है, नॉर्मली आप क्वेश्चन करोगे 2-3 डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, बाकी सारे इनडायरेक्ट होते हैं, इनका नाम दिया गया है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप इतना काम कर रहे हो, सामान बिकेगा भी, तो उसे सेल्स बोलते हैं। सेल्स बेसिकली आपने जब वो पढ़ा था जर्नल लेजर, तो सेल्स क्या होती, क्रेडिट होती है, बाय सेल्स, लेस रिटर्न या लेस रिटर्न इनवर्ड। सामान जब वापस आएगा, अंदर आएगा हमारे पास, वापस आएगा, ठीक है। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। भाई क्लोजिंग स्टॉक हमारा लास्ट में कितना बचा, जो भी कम प्राइस होगा वो लिखा जाएगा, क्योंकि कम प्राइस से फिर अगर आप ज्यादा प्राइस लिखो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, वो एक गलत चीज हो जाएगी, गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है जी। ये आपका पहला स्टेप खत्म हो जाता है, ठीक है। यहां पर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये चैप्टर टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, जो भी हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। ये एक बैलेंसिंग फिगर है, नॉर्मली ये सबसे ज्यादा आता है, ये सबसे ज्यादा आता है। अब खुदा ना खासा डेबिट से ज्यादा होगी तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस, क्या लिखते हैं, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी क्या होती है, बैलेंसिंग फिगर। तो पहला ट्रेड,
जो बेसिक ट्रेड हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अकाउंट बनाना है। शुरू में कितना सामान था, कितना सामान खरीदा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे, ये गिने चुने डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इसके अलावा जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। फिर आपने कितना सामान बेचा, उसमें से कोई रिटर्न वगैरह या रिटर्न इनवर्ड है, उसे आपने नेट सेल्स को यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। फिर क्लोजिंग स्टॉक, जिसको कॉस्ट या मार्केट प्राइस भी एवरेज लेस पे लिखा जाता है। लेस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट उसके हिसाब से एडजस्ट होकर आ जाएगा, अगर आप ज्यादा दिखाओगे तो गलत हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा जबकि प्रॉफिट ज्यादा हुआ, ठीक है जी। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, डेबिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस, ठीक है जी। इसे नोट करो पहले, फिर पी एंड एल बताते हैं। ठीक है जी, इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। हमारा एम है नेट प्रॉफिट निकालना, हमारा एम है नेट प्रॉफिट निकालना। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रॉस करके इधर ले आओ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट टू, अगर ग्रॉस लॉस है तो क्रॉस करके यहां ले, क्योंकि अपने आप वही रूल्स आ गए ना, डेबिट ऑल द लॉसेस क्रेडिट ऑल द गेन्स, ठीक है। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहां आ गए, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां आ जाएंगे। जो एक्सपेंस यहां नहीं आए, देखो एक्सपेंस में तो हर हालत में डेबिट होने है, चाहे वो यहां हो जाए चाहे वो वहां हो। कैटेगराइजेशन है, मेन डायरेक्ट एक्सपेंस यहां आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
ठीक है जी, जो बाकी खर्चे हैं, रेंट, ठीक है, बैड डेब्ट्स, सैलरीज। देखो जो फिजिकल वर्क करता है उसे वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, और जो पेपर वर्क करता है उसे सैलरीज दी जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी आपको लगे यहां आप फिट नहीं कर पाए वो खर्चा यहां आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि इंटरेस्ट पेड, इंश्योरेंस, वो सारे के सारे यहां आ जाएंगे। अब कुछ छोटी मोटी इनकम्स भी हो जाती हैं बाय इनडायरेक्ट इनकम्स, फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, और डिविडेंड रिसीव्ड। मतलब वहां थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लगाना है और आपको फट से सब चीज पता लग जाएगी कहां पे आएगी। तो ऑब्वियस है, अब ये कंप्लीट हो गया, पर फॉर्मल तो जितना मर्जी लंबा चौड़ा बना दो, खर्चा आपको पता, ये एक्सपेंस है, यहां डेबिट नहीं होता, यहां हो जाएगा। इनकम ने तो छोटी मोटी इनकम ने यहीं क्रेडिट होता, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये एक बैलेंसिंग की तरह, ये क्या है, बैलेंस बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू, अगर डेबिट साइड ज्यादा तो नेट लॉस हो जाएगा। ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर, इसे नोट करो। वैसे तो आप जितनी मर्जी लिख लो यहां पर, ठीक है ना, मैंने दो चार एग्जांपल लिख दिया आपको, फिर आपका दिमाग अपने आप चलेगा कि कौन से एंगल में आता है ये, कौन सी कैटेगरी में आता है। डायरेक्ट गिने चुने हैं वो यहां आ जाएंगे, इनडायरेक्ट वहां। कैरिज को कई बार ये फ्रेट भी बोलते हैं, फ्रेट, फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज। ठीक है जी, निकालो, एक मिनट पहले बैलेंस शीट बता दूं। बैलेंस शीट वैसे आपने अकाउंटिंग विजन में भी सीख ली थी, इसलिए घबराने की कोई नई चीज नहीं है। बैलेंस शीट का मतलब होता है ऑल द बैलेंसेस ऑन द शीट इज नोन एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, यहां आ गई एसेट्स, यहां आ गई लायबिलिटी। देखो एसेट्स पता है आपको, लाइबिलिटीज भी पता है। एसेट्स भी दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती है नॉर्मली जो हम एक ही बार खरीदते हैं, बार बार नहीं खरीदते। फिक्स्ड एसेट में जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, मोटर कार, ये सारी की सारी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट, जो हमको बार बार नहीं, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारी की सारी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट। और करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कैश, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल,
एडवांस एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके करंट एसेट्स, ऐसे फिक्स्ड लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटीज में जैसे पहले आई थी कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग्स माइनस, ठीक है जी, ये आ गया आपका फिक्स्ड लायबिलिटी। फिर बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारे के सारे फिक्स लायबिलिटीज। इसके बाद आती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपको एक साल के अंदर पे कर देनी है, एक साल के अंदर क्या कर देनी है पे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी, ये आपकी क्या होती है करंट। लोन पेबल विद इन 10 मंथ, ये आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लास्ट में टैली कर देगी, बैलेंस शीट लास्ट में क्या कर जाएगी टैली, करो नोट। वैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा एडजस्टमेंट वाला, ठीक है ना, एक दो क्लासेस बेस बन जाएगा, फिर एडजस्टमेंट वाला ही करना है, सारा ध्यान हमारा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन पे होना है। अगर ये चैप्टर ढंग से सीखोगे, सिंगल एंट्री भी इसी चैप्टर पे डिपेंडेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसी पे डिपेंडेंट है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके तो मैं एक दो क्लासेस ही लगानी पड़ेंगी, पर बेस अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, 11 से लेकर 25 तक सारे बेसिक क्वेश्चन है, एक बार आपको सारी चीज़ों का सेटअप समझ में आ जाए, ठीक है ना। पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस में लगाना पड़ेगा आपको, घुमा फिरा के, ठीक है, पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा
प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर बनेगी आपकी बैलेंस शीट। डेट दे रखी है कोई? डेट जो लिखनी है, बिना डेट के कोई वैल्यू नहीं। कैपिटल 31st मार्च, ठीक है जी। शुरू से चलता जाओ, जो चीज जहां फिट हो जाए, क्योंकि एडजस्टमेंट तो है नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल कहां आती है? बैलेंस शीट में। पर कैपिटल में भी प्रॉफिट वगैरह जुड़ना होता है। कितनी है? 30। आगे चलो, मशीनरी क्या है? एसेट। मशीनरी क्या है? एसेट, एसेट्स लायबिलिटी। धीरे धीरे आपके दिमाग में सारा परफॉर्मा। कितनी है मशीनरी? 700। सेल्स कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। कितनी है? क्योंकि रिटर्न वगैरह हो सकती है, अभी पहले इंटरनली ही लिखेंगे, ठीक है ना। सेल्स कितनी है? 80, 200। परचेज 4000। कुछ बोलो यार, ऐसे बड़ा मुश्किल, क्योंकि मैं जल्दी भी लेस रिटर्न वो देख लेते हैं क्या आती है, ठीक है। परचेज के बाद क्या है? सेल रिटर्न कितनी है? 100 रुपये। लेस रिटर्न 100 रुपये, कितनी आ गई? 81, ठीक है जी। अब आता है स्टॉक एज ऑन 1st अप्रैल, ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक कितना है? हाँ जी, अच्छा 1000। एक एक करके आइटम खत्म होते जाएंगे सर। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहाँ से माइनस होती है? कैपिटल से। लेस ड्रॉइंग्स कितनी है? 400। आगे चलो, वेजेस, वेजेस किस में आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस 1000, ठीक है। आगे चलो, कैरेज इनवर्ड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। कितना है? 50। चलो, सैलरीज किस में आती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कितनी है? 600। टू सैलरी 600। जनरल एक्सपेंस कितने हैं? 200। वो भी यही आएंगे, बोलते जाओ। आगे क्या है? रेंट 500। आगे परचेज रिटर्न कितनी है? 50। ये नेट होगी। चल हैं, डेट से एसेट है, कितनी है? 3000। कितना है और बताओ? कैरिज आउटवर्ड यहाँ आएगा पी एंड एल, कैरिज इनवर्ड इधर आता है और कैरिज आउटवर्ड यहाँ। खर्चा है ना, कैरिज आउटवर्ड क्या है? आपने सामान बिकने के लिए बाहर भेजा ट्रक पे लोड करवा के, वो आपका खर्च क्या है? एडवर्टाइजिंग यहीं आएगी। 100 रुपये, अच्छा। आगे कितने हैं? क्लोजिंग स्टॉक देखो नीचे दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, जो चीज नीचे दी होगी हमेशा दो जगह आएगी। यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, और वही हमारी बचा हुआ तो एसेट भी है, बचा हुआ तो एसेट। क्लोजिंग स्टॉक हर चीज जो लास्ट में दी होगी बिना उसके, वो दो जगह आएगी, ठीक है जी। अब वन बाय वन चलते हैं, क्लोज करते हैं चीजें। पहले हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। 10,100। ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू 41। उठा के इस तरफ, स्टेप ये भी खत्म। अब क्या आ जाएगा हमारा? नेट प्रॉफिट टू
कैपिटल अकाउंट. अब ऑब्वियस है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा. 6 2 8 13 देखो कितना है, 2400. बिल्कुल ठीक जवाब आ गया. इधर देखो, अब देखो, अब सिर्फ आपने यहां पर आके प्रॉफिट ऐड करना है. हर चीज ऑलरेडी जा चुकी है ना, 2400 ठीक है जी. कितना हो गया, 5600, और ये हो गया आपका 6100. देखो बैलेंस शीट टैली, बैलेंस शीट क्या करके टैली करो. करो, नींद आ रही है, करो. धीरे धीरे दिमाग सेट होता जाएगा, ठीक है ना, कौन सी चीज कहाँ फिट होती है.
अकाउंट पे डेट बिल्कुल ठीक लिखी होनी चाहिए कि कौन सा अकाउंट किस ईयर को बिलोंग करता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अकाउंट का कोई डेट नहीं दिया, कोई बात नहीं, 31 मार्च डाल के छोड़ देंगे हम तो, क्यों, क्योंकि 31 मार्च तक तो बनते ही हैं। और ध्यान से देखो, डेबिट क्रेडिट हमने लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में रिवर्स होता है, ये साइड डेबिट होती है और ये साइड क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है, गॉट इट। सबसे पहले आइटम मशीनरी, अब देखो डेबिट वाली चीज उसमें ऊपर लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस, ऐसे देखो अपने आप देखना, ऐसे डेबिट वाली चीज डेबिट में ही जाएगी। मशीनरी 3500, डेटर 2700, ड्रॉइंग्स कैपिटल लिख के लेस ड्रॉइंग्स लिख देते हैं, जब कैपिटल है कैपिटल फिट कर देंगे। ड्रॉइंग्स कितनी है, 900। परचेजेस कहाँ आएगी, यहाँ टू परचेजेस 9500 लेस रिटर्न, देख लेंगे क्या है। वेजेस कहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस कितना है, 5000। बैंक कितने हैं, 15। ओपनिंग स्टॉक 2000। ठीक है जी, फिर डेबिट रेंट इधर आएगा, रेंट कितना है, 450। लाइन से चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सन्ड्री एक्सपेंस 200, इसने वर्ड कैरेज लिखा हुआ है, तो कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ तब तो उधर आएगा। अब कैरेज के आगे पूछे तो कैरेज यही आता है, कैरेज कितना है जी, 150। ठीक है, कैपिटल 10000, क्रेडिटर्स 1400, सेल्स 14500। लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बार बैलेंस शीट। कितना दे रखा है, 300। बाय क्लोजिंग स्टॉक 300, ठीक है जी, और क्लोजिंग स्टॉक यहां पे भी आएगा। अब इसको बाय वन सब चीजें फिट करो, ठीक है जी, ये हो गया 5150। ध्यान से देखो तो डेबिट साइड ज्यादा नजर आ, ग्रॉस लॉस 1800 बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है जी, इस ग्रॉस लॉस को इधर ले आओ, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू लेस नेट लॉस ठीक है जी, क्लोज कर दो 8000, नेट लॉस क्लोजिंग स्टॉक का लिख दिया 300, 15 3 18, ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब आ गया, करो
डेट दी हुई है तो डेट जरूर लिखनी है, 31 मार्च 2014, क्योंकि सारा अकाउंट बिलोंग्स टू डेट्स, किस साल का अकाउंट है, कौन से महीने तक बनाया है। ठीक है जी, शुरू से आ जाओ। सेल्स दे रखी है सबसे पहले, बाय सेल्स 92,000, टू परचेज 68,300, लेस रिटर्न इनवर्ट, जो चीज जैसे आ रही है वैसे हम वैसे हम करते जा रहे हैं, 1300 रिटर्न आउटवर्ड, कितना है रिटर्न आउटवर्ड 22। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे दिया होता है, जो ऊपर स्टॉक दिया वो ओपनिंग होगा, वो कौन सा होगा हमेशा ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक 17,600, कैरी इनवर्ड किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड 24। ठीक है जी, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2,200, डिस्काउंट भी यहीं आएगा, डायरेक्ट इनको डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं है, 3,750, प्रिंटिंग यहीं आएगी 7,000, इंश्योरेंस 5,000,
ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी यही आएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 1400, पोस्टेज भी यही आएगी, पोस्टेज 620, मिसलेनियस एक्सपेंस 900, बैड डेब्ट्स 400, डेटर एसेट है 22,000, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आएगा 12,800, लोन माता दिन क्रेडिट लिखा हुआ आगे, यानी हमने ये लोन लिया हुआ है तो क्रेडिट में आएगा, किसमें आएगा क्रेडिट, ठीक है ना। अगर लोन दिया होगा ना किसी को तो स्पेशली बताएगा वो, मान लो क्रेडिट भी ना लिखा होता तो मैं लोन को फिर लाइबिलिटी में ही रखता, ठीक है नी। कैपिटल 52,500, लेस ड्रॉइंग्स 1910, बिजनेस प्रमिसेस एसेट है, फर्नीचर 1500, क्लोजिंग स्टॉक 24,000, क्लोजिंग स्टॉक इधर भी आएगा, ठीक है जी। अब सिर्फ बैलेंसिंग फिगर बचते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और हमने क्या निकालना है नेट प्रॉफिट, तभी जाके कंप्लीट होगा। देखा जाए तो हर चीज अपनी जगह ले चुकी है, ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल 28,600, स्टेप बाय स्टेप चेक करते जो, नहीं बाद में चेक करो फंस जाए पता लगे, बिल्कुल ठीक आया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, एड नेट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस,
डेट है 31 मार्च। शुरू से आ जाओ। सबसे पहले उसने दे दिया है कैपिटल, कैपिटल यहां आएगी। बिल्स पेबल, क्रेडिट, क्रेडिटर्स भी यहीं आएंगे। देखो क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, क्रेडिट वाली चीजें क्रेडिट में ही जा रही है। 8720 बिल्स पेबल, 2527 सेल्स यहाँ आएंगी, 78182 ठीक है जी। लोन यहीं आएगा, अब आ गया डेबिट बैलेंस, डेटर्स 3885 सैलरीज जाए। डिस्काउंट भी यहीं आएगा, पोस्टेज 273 टू बैड डेब्ट्स 287 इंटरेस्ट 1295 इंश्योरेंस 417 मशीनरी 10 लाख। लो जी पर स्टॉक ओपनिंग 994। परचेजेस 62092 लेस रिटर्न। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ₹4300 बिल्डिंग एसेट है ठीक है। फिक्सर एंड फिटिंग्स 16155, क्लोजिंग स्टॉक्स 14000 ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर भी आएगा, नीचे जो भी चीज भी होगी वो दो जगह आती है। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में बचा हुआ स्टॉक है वो भी हमारी क्या है एसेट, वो भी हमारी क्या है एसेट ठीक है जी। वन बाय वन फिट करते जाओ। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ठीक है जी। इसको यहां ले आओ,
जल्दी करो, एक क्वेश्चन और हो जाएगा अगली क्लास में, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, बेस क्लियर हो जाएगा, फिर उसी क्लास में एडजस्टमेंट शुरू। हरी भागते भागते 31 मार्च 2015 पहला उसने बताया कैपिटल, स्टॉक जो ऊपर दिया था वो ओपनिंग ही होता है, बिल्स पेबल 4827, क्रेडिटर्स भी यही आएंगे, सेवन फाइव एट, डेटर्स एसेट्स में आएंगे, BR 329, बैंक 19, मशीनरी 671, बिल्डिंग 529, कमीशन क्रेडिट में बोला है, वो हमारी इनकम होगी, ठीक है ना, कमीशन इनकम के बारे में ना स्पेशली बताया जाता है, 390, इंश्योरेंस 119, पोस्टेज 132, ठीक है जी, सेवन
सेल्स 1, 2, 4, 3 परचेज 1049 रिटर्न इनवर्ड 1000 यहाँ आ जाएंगे 1143 ले रिटर्न आउटवर्ड 1200 9292 ठीक है जी। कैश इन हैंड एसेट है, कैश कितने है जी 1400, डिस्काउंट क्रेडिट ₹627, सैलरीज 1400, कैरेज 400, कैरेज 400, वेजेस 151 1910, डेप्रिसिएशन 600, क्लोजिंग स्टॉक 7929 और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। लो अब वन बाय वन, सबसे पहले ग्रॉस, अब क्या रहेगा सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है एंड नेट प्रॉफिट। अगली क्लास में जितने इसके क्वेश्चन हो जाएंगे वेल एंड गुड, दो तीन तुम कर लेना, क्योंकि मेन तो इसमें एडजस्टमेंट वाला है, ये तो आपके सिर्फ दिमाग में चीजें भरने के लिए हमें यहां तक करवाना पड़ता है। अपना आज क्या फ्राइडे,